तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर से संबंधित। एक्चुअल में थर्ड पेपर की हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि लास्ट फोर्थ और फाइव ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और स्पेशली हम बात करेंगे यूनिट वन की। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यूनिट वन में कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है जिसे बार बार रिपीट किया जा रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये जो पीडीएफ है, ये पिछले चार सालों के क्वेश्चंस पेपर का पीडीएफ फॉर्म है। ये क्वेश्चन पेपर है हमारा 2020 का, और इसके अलावा 2019 और 2021 के बैक पेपर के भी क्वेश्चन मेरे पास हैं। तो ये 2020 के क्वेश्चन पेपर हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पेपर हैं, उनके भी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन आ गया। क्योंकि जब हम यूनिट वाइज इस सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए इस सब्जेक्ट्स को कवर अप करने में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यूनिट फर्स्ट में आपको टोटल तीन पॉइंट्स पढ़ने हैं, तीन टॉपिक। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन तीन टॉपिक में से 30 नंबर के सवाल आते हैं यूनिट फर्स्ट में। डैम श्योर 30 नंबर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, पहले देख लीजिए वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है, शैक्षिक तकनीकी की जो बेसिक जानकारियाँ हैं। बेसिक जानकारियाँ का मतलब शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा क्या होती है, इसकी उत्पत्ति, इसका अर्थ, इसकी प्रकृति, इसका स्कोप और इसका नीड। और ये बहुत ही छोटे टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान टॉपिक भी है। तो शैक्षिक तकनीकी के मूलभूत जानकारियाँ, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसके परिभाषा और इसके प्रकृति का वर्णन कीजिए। या फिर कभी ऐसे आपसे पूछ लिया गया कि शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ, इसके क्षेत्र और इसकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा, अर्थ और उसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कहने की बात है कि बेसिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो बेसिक जानकारियाँ हैं, उससे लेके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अभी क्वेश्चन पेपर में भी दिखाऊंगा कि कौन से साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था हमारा पहला पॉइंट दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसी सीरीज में, वो है शैक्षिक तकनीकी के अप्रोचेस, उपागम जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है शैक्षिक तकनीकी की अप्रोचेस। आप सबको बताया कि तीन अप्रोच होते हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच। हिंदी में बात करें तो कठोर शिल्प उपागम, मृदुल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। तो इससे भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी की उपागम से आप क्या समझते हैं, कि नहीं दो उपागमों की व्याख्या कीजिए। या फिर नाम देके भी पूछा जा चुका है कि हार्डवेयर अप्रोच से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए। या फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। और एक क्वेश्चन जो कई बार रिपीट किया जा चुका है वो है कि हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच में अंतर बताइए, कठोर शिल्प उपागम और मृदुल शिल्प उपागम में भिन्नता दर्शाइए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, शैक्षिक तकनीकी के उपागम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टमेटिक। आप इसके पॉइंट्स को याद रखिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर आप वहां से रिलेट कर पाएंगे। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है फॉर्म्स ऑफ शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी के रूप या शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, और कौन से विषय वस्तु के प्रकृति के आधार पर, कंटेंट के आधार पर इसके प्रकार, इसके रूप के बारे में पढ़ना है। पहले इस पॉइंट्स को याद रखिए, फिर हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी चीज़ें। तो इसके चार रूप होते हैं, विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर इसके चार रूप या चार प्रकार होते हैं। कौन सा, टीचिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, तीसरा बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और चौथा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। हिंदी में बात करें तो शैक्षिक तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और अनुदेशन प्रारूप। तो दोस्तों इन चार बिंदुओं को याद रखिए, ये हमारे थर्ड पॉइंट्स में शैक्षिक तकनीकी के प्रकार के ये चार बिंदु, और हमारे सेकेंड पॉइंट के शिक्षक के शैक्षिक तकनीकी के उपागम के ये तीन बिंदु, और इसके साथ ये पहला हमारा पॉइंट था शैक्षिक तकनीकी की मूलभूत जानकारियाँ। चलिए क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या आए थे, 2020 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, और जो क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट से आया था आप स्वयं देख लीजिए। पहला ही क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, मैंने कहा था ना उसी में से क्वेश्चंस आपको आने हैं। ओके दोस्तों, अब ये क्वेश्चंस आपके आए थे, और आपको बता दें कि शैक्षिक तकनीकी के जो लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन आए थे, ये देखिए सेक्शन बी में आपका क्या क्वेश्चन आया था, सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ये क्या है दोस्तों, वही टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था कि आपके शैक्षिक तकनीकी में जो टीचिंग है,
टीचिंग टेक्नोलॉजी जो इसके रूप है उसके बारे में हमें बताना था, ये टीचिंग टेक्नोलॉजी, तो ये 2020 में आया था। मैं आपको एक चीज़ अगर दिखाऊं तो आप वो जान के हैरान होंगे कि इस बार के जो बैक पेपर आए थे, आप ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इस बार के बैक पेपर में बस एक ही टॉपिक कौन सा, अनुदेशन तकनीकी का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और ये एकमात्र क्वेश्चन 20 नंबर में आया था दोस्तों। ये बैक पेपर जो 1.5 घंटे का हुआ था उसमें ये एकमात्र क्वेश्चन ही 20 नंबर का आया था। अगर आपका पेपर भी 1.5 घंटे का होता है तो यकीन मानिए कि कम से कम 20 नंबर और 30 नंबर के क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल जाएगा इसी तीन टॉपिक से। खासतौर पर ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है शैक्षिक तकनीकी के रूप। तो आपने देखा कि कैसे बैक पेपर में एकमात्र क्वेश्चन डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अनुदेशन तकनीकी का वर्णन 20 नंबर में पूछा गया था, वही मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अनुदेशन तकनीकी। ओके दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिए 2019 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 पे आते हैं दोस्तों, 2019 पे, जस्ट एक मिनट, 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। और 2019 के क्वेश्चन पेपर में आप देखिए यहाँ पे फिर से एक बार 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए, शैक्षिक तकनीकी के उपागमों की विवेचना कीजिए, डिफाइन द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्कस द अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, वही क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, और उसी के नीचे अथवा में जो सवाल आया है वो भी वही है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, और शैक्षिक तकनीकी के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, शैक्षिक तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहारिक तकनीकी और व्यवहारिक प्रारूप। वही दोस्तों ये 2019 के सवाल आ गए। अब 2019 में आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर अप्रोच, शैक्षिक तकनीकी में कोमल उपागम से आप क्या समझते हैं। मैंने बताया था कोमल उपागम, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच, उसी से मिलता जुलता पहला क्वेश्चन दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, इन तीन टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अब आइए दोस्तों 2018 के क्वेश्चन पेपर पर समझते हैं। 2018 का क्वेश्चन पेपर में आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर दिया था, वो क्या था, किस शिक्षण विधि को आप सर्वाधिक पसंद करते हैं, गुणों के साथ उस शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। वही बात है, आप किस विधि को, आप चाहे तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में लिखिए, चाहे तो टीचिंग टेक्नोलॉजी, चाहे तो बिहेवियर, आपका अगर मर्जी हो तो शैक्षिक तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहारिक तकनीकी, किसी एक को आप जिसे बेस्ट मानते हैं उसको यहाँ पे लिखना था। और इसी क्रम में दोस्तों जो 2018 में देखिए क्वेश्चन क्या आया था, फिर से वही क्वेश्चन, शिक्षण को परिभाषित कीजिए, शिक्षण के चरणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों सेम वही क्वेश्चंस आ रहा है, उसके प्रकारों का, उसके चरणों का वर्णन करना है। और सेक्शन ए में देखिए क्या आया था, प्रणाली उपागम का क्या अर्थ है, मतलब कि सिस्टमेटिक अप्रोच का क्या मतलब है। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, शैक्षिक तकनीकी समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कैसे कराती है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस था मगर वही ये जनरल क्वेश्चन था कि शैक्षिक तकनीकी कैसे समान अवसर उपलब्ध कराती है। अब आइए चलते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर पे। 2017 के क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो 2017 के क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आप यहाँ देखिए, श्रव्य दृश्य माध्यम का सत्प्रय क्या है, श्रव्य दृश्य माध्यम, एक्चुअल में श्रव्य दृश्य माध्यम उसी हार्डवेयर अप्रोच को ही श्रव्य दृश्य माध्यम कहते हैं, जो कठोर शिल्प उपागम है उसी को श्रव्य दृश्य माध्यम कहते हैं। और दूसरा भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या था, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अवयवों के बीच भेद, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो वो डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया था। ओके दोस्तों, और इसी में 2017 में ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है, कौन सा, व्यवहार तकनीकी से आप क्या समझते हैं, व्यवहार तकनीकी के कौन कौन से मूल तत्व हैं, मतलब बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। और अथवा में क्या क्वेश्चन आया था, शैक्षिक तकनीकी के रूपों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों सिंपल सी कहने की बात है, अगर आप कहें तो मैं आपको 2016 का भी पेपर दिखा दूँ, चलिए इसी के साथ मैं आपको 2016 का भी पेपर दिखा देता हूँ कि 2016 में भी यही पूछा था कि शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताओं और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये देखिए दोस्तों 2016 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, और इसमें ऊपर आप देख सकते हैं तो प्रणाली उपागम से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब यही चीज़ें हैं, मैंने आपको कहा कि उन्हीं तीन पॉइंट से ही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। इसमें देखिए कठोर एवं कोमल शिल्प उपागम तकनीकी में अंतर बताइए, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि पार्ट
सॉरी तीसरे पेपर में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन्हीं तीन पॉइंट से आएंगे। कौन कौन से? शैक्षिक तकनीकी के मूलभूत जानकारियाँ, जैसे कि परिभाषा, उत्पत्ति, प्रकार, क्षेत्र, आवश्यकताएं, या फिर आपके क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से दोस्तों? आपके क्वेश्चन मिलेंगे इसके उपागम से, जो तीन उपागम, कठोर उपागम, मृदुल उपागम और प्रणाड़ी उपागम। मृदुल उपागम को कोमल उपागम भी कहते हैं। और तीसरा जो कई बार इनमें से पूछा है, कभी आपको शैक्षिक तकनीकी पूछता है, कभी आपको अनुदेशन तकनीकी, कभी व्यवहार तकनीकी और कभी अनुदेशन प्रारूप में से सवाल पूछता है। तो ये क्वेश्चंस केवल लॉन्ग्स में भी आते हैं और शॉर्ट्स में भी आते हैं, मतलब यूनिट वन में से आपको इसी पॉइंट से मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई बात क्वेश्चंस की, अब बात करते हैं इसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों इसके आंसर्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल पे आइए और यहाँ पे आप ऊपर देखिए प्लेलिस्ट लिखा होगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी पे आपको क्लिक करना है। मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं, एक शैक्षिक तकनीकी के अर्थ के बारे में, इसकी जो मूलभूत जानकारियाँ हैं, और दूसरा अप्रोचेस के बारे में। तो इन तीन बिंदुओं में से दो बिंदुओं पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, काफ़ी आसान शब्दों में। मैं जो तीसरा पॉइंट है, अभी इस पर मैंने वीडियोस नहीं बनाए, बहुत जल्द ही उसी प्लेलिस्ट पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप किसी और भी चैनल से देख सकते हैं। मगर इस चीज़ों को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर डेढ़ घंटे का पेपर आया तो सोच लीजिए कम से कम 30 नंबर आपको इसी तीन पॉइंट से मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और आपके जो भी फीडबैक्स हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी है आपके फीडबैक देख के। और जैसे ही कोई नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट यूनिट पे मेरी रिसर्च कंप्लीट होती है, उस यूनिट पे आपको वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए मेरे चैनल से। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल्स को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे वीडियो की जो फीस समझ लीजिए वो ना आपके कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, मुझे खुशी होती है कि चलो मेरे व्यूवर्स कुछ रिस्पांस भी कर रहे हैं, मैं उन्हें उनसे बात करूँ तो वो भी मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में रिस्पांस करें। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।